हेलो दोस्तों, तो चलिए इस लेक्चर में हम लोग बात कर लेते हैं एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल के बारे में जो हमारा संविधान दिवस से संबंधित है। मूल्यों में गिरावट के बीच आज संविधान दिवस ठीक 70 साल पहले 26 नवंबर 1949 को हमने अपना संविधान अंगीकार किया था। संविधान सभा के उद्घाटन भाषण में 9 दिसंबर 1946 को अस्थाई अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा ने न्यायविदों की दुनिया में सर्वाधिक सम्मानित जस्टिस जोसेफ स्टोरी का मशहूर कथन उद्धृत किया। इसका ढांचा और नींव बेहद होशियार और पूर्ण निष्ठावान नैतिक और बुद्धिमान महापुरुषों द्वारा खड़ी की गई, लेकिन जनता की मूर्खता, भ्रष्टाचार और गैर जिम्मेदारी के कारण गणतंत्र की यह इमारत मात्र 1 घंटे में ढह सकती है। तो याद रखिए दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, पूरी तरह से लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष थे इसके सच्चिदानंद सिन्हा, और 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष बने थे राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर। ठीक, आज महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है, जिसके किरदार केवल राजनीतिक दल और उनके विधायक ही नहीं है, संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे लोग भी हैं, उसे देखने के बाद लगता है कि कहीं हम इस भव्य इमारत को जाने अनजाने में गिराने तो नहीं लगे। अभी कुछ हफ्ते पहले ही जिन्हें जनता ने चुनकर जनप्रतिनिधि के रूप में भेजा, उनसे यह डर है कि पैसे या पद के लालच में वे जनता का विश्वास तोड़ते हुए पाला बदल सकते हैं। लिहाजा होटलों और रिसोर्टों में छिपाया जा रहा है, जिसे संविधान की अभिरक्षण, परिरक्षण और संरक्षण की जिम्मेदारी दी गई। ऐसे राज्यपाल पर आरोप लगाया जा रहा है कि वह सत्ता में बैठे आकाओं के इशारे पर काम कर रहे हैं। यह पहली घटना नहीं है। क्या हम 138 करोड़ लोग गणतंत्र की इस इमारत को दरकने ना देने वाले कुछ 100 ऐसे लोग भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि शायद गलती हमारी है, जिसका स्पष्ट संकेत जोसेफ स्टोरी ने लगभग 100 साल पहले दिया था। दशकों से हमने अपने जनप्रतिनिधि चुनने में जात पात, धर्म, भय, शराब व अन्य लालच और दबाव सहित अनेक संकीर्णताओं को तरजीह दी। नतीजतन राजनीति में अच्छे लोगों का आना बंद हो गया, और अगर किसी से हिम्मत भी की तो वह हमारे द्वारा खारिज कर दिया गया। तभी तो 4 हफ्ते पहले चुना गया विधायक छिपा कर रखा जाना लगा कि कोई बोली लगाकर उसे उठा ना ले। महात्मा बौद्ध के अंतिम शब्द थे, अपने शरण के लिए किसी और को नहीं, अपने अंदर देखो। अगर हमें इस गणतंत्र को अपनी मुक्ति का साधन बनाना है तो अपनी गलतियों को देखना होगा। अमेरिकी राजपुरुष डेनियल वेबस्टर की उक्ति ध्यान देने लायक है कि देश को कोई बर्बाद नहीं कर सकता है अगर लोग इसकी सुरक्षा में खड़े हों, और कोई बचा नहीं सकता है अगर यह काम दूसरों को भरे से छोड़ दें। तो चलिए दोस्तों, तो ये था हमारा एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल।